प्रियंका चोपड़ा ने कुछ दिन पहले डेक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट में बॉलीवुड के कई सारे राज रिवील करे। वहीं उन्होंने अपने बॉलीवुड छोड़ने की वजह भी बताई थी और उन्होंने क्यों हॉलीवुड ज्वाइन करा ये भी उन्होंने बताया था। उनके सपोर्ट में काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स आए जैसे कि कंगना रनावत, अरमान मलिक, शेखर सुमन और अब तनुश्री दत्ता भी उनके सपोर्ट में उतरी हैं। तनुश्री दत्ता का ये कहना है, उन्होंने लेटेस्ट अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इस वक्त बॉलीवुड में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो मैं बहुत साल पहले झेल चुकी हूँ, इसी वजह से मैंने बॉलीवुड छोड़ा है और अब मुझे पता होता कि बॉलीवुड में इस तरह की गंदगी होती है तो मैं कभी भी बॉलीवुड में कदम नहीं रखती। मैं बॉलीवुड में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने के बाद आई थी, हर कोई बॉलीवुड में मॉडलिंग के बाद या फिर कोई ना कोई कॉन्सर्ट जीतने के बाद ही आता है, कोई भी किसी के भी पीछे भी बाप दादा का हाथ नहीं होता। मैं भी इसी तरह आई थी और मैंने भी इस गैंगअप का शिकार हुई थी। कुछ लोग इस बात पर बोलना पसंद नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं। पहले कोई भी इस बात पर बोलना पसंद नहीं करता था क्योंकि उनकी सिक्योरिटी नहीं होती थी। अब धीरे धीरे इस बात पर लोग खुलने लगे हैं और बोलने लगे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि बॉलीवुड अब अफगानिस्तान बनता जा रहा है क्योंकि यहां पर ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनसे कोई भी पंगा नहीं लिया जा सकता और बॉलीवुड में इस तरह के गुंडे मवाली हैं जो लोगों के करियर को बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ये वर्ड एग्जैक्ट वर्ड्स तनुश्री दत्ता के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे भी इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने बॉलीवुड छोड़ा और अगर मैंने ये सब चीजें अपने सिर चढ़ा ली होती, मैं इतनी परेशानियां झेलती तो आज मेरी हालत भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही होती। इसलिए मैं अब आध्यात्मिक के रास्ते पर चल चुकी हूं, मुझे वहां बहुत सुकून मिलता है। बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट चलाने को लेकर फेमस रही तनुश्री दत्ता ने भी प्रियंका चोपड़ा के इस बयान के बाद बॉलीवुड में गुटबाजी को लेकर काफी कुछ कहा है। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में डेक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट में कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में एक कोने में धकेला जा रहा था, लोग उन्हें कास्ट नहीं कर रहे थे। अब इस सपोर्ट में तनुश्री दत्ता उतरी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं ये सब बहुत पहले ही झेल चुकी हूं। आगे उन्होंने कहा, आजकल जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो मैं झेल रही हूं। इनसाइडर्स को बॉलीवुड में पता है लेकिन यहां कुछ एक गिरोह काम कर रहे हैं। गिरोह मतलब सच में माफिया गैंग है यहां और वो एक्टिव तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं, खासकर जो आउटसाइडर्स होते हैं क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कि मेरी एंट्री बॉलीवुड में सिर्फ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने की वजह से हुई थी, ना मेरा कोई फैमिली थी ना ही मेरे कोई यार या कोई जान पहचान वाला। आगे उन्होंने कहा, बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की एंट्री कोई ना कोई मॉडलिंग या टीवी शो या फिर कोई कॉन्सर्ट जीतने के बाद ही होती है। कहीं ना कहीं से तो वो अपनी शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास बाप दादाओं की जागीर नहीं होती कि वो उसके बेसिस पर अपना कुछ करियर बनाए। उस बेसिस पर इन गिरोह गैंग की हिम्मत बढ़ जाती है। उनको पता है कि इनके कोई दोस्त वगैरह ज्यादा नहीं है, इनको अगर परेशान किया जाए, काट दिया जाए तो ये परेशान होकर छोड़कर चले जाएंगे और कुछ तो चले भी गए। तनुश्री दत्ता ने आगे एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है हर किसी ने कभी ना कभी इस बारे में बोला है कि इस गैंग ने उनका काम खराब किया। बड़े बड़े एक्टर से डायरेक्टर्स तक अब तो लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये गैंगबाजी हमारे साथ हुई है। पहले इक्का दुक्का लोग इसके खिलाफ बोलते थे लेकिन अब सब साथ में बोल रहे हैं तो पब्लिक को पता लग गया है कि गुटबाजी होती है बॉलीवुड में। यहाँ पर टैलेंट और खूबसूरती से ज्यादा सबसे अधिक मायने ये रखती है कि आप कौन से गैंग के तलवे चाट रहे हो। अब बॉलीवुड अफगानिस्तान बन चुका है क्योंकि यहाँ ऐसे अंडरवर्ल्ड टाइप के कॉन्टेक्ट हैं कि उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। बॉलीवुड में इस गिरोह से ज्यादा विक्टिम है लेकिन वो एक एक को टारगेट करते हैं। कोई इंसान टारगेट हो रहा होता है तो उसका फोकस होता है कि बचकर कैसे रहें, थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है उसको कैसे चलाते रहें। उन्होंने मीटू मूवमेंट को याद करते हुए कहा, आप लोगों ने सबने देखा कि मीटू मूवमेंट के टाइम पर कोर्ट कचहरी सबने कर दिया, बहुत कुछ लोगों ने किया लेकिन ये जो गिरोह वाले लोग हैं इनके पास पैसा भी है और पावर भी है, इनका पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना भी है, इनकी ठाट है बॉलीवुड में। बेसिकली रैगिंग चल रही है, इन लोगों ने बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर्स किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने अति मचा रखी है। यहाँ लंका राज चल रहा है, मैं तो हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि कोई आए और यहाँ से हमको मुक्ति दिला दे। पहले पता होता यहाँ ये सब चल रहा है तो आते ही नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, किसी के तलवे चाटना नहीं चाहते हैं, किसी की आइटम नहीं बनना चाहते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहते हैं तो यहाँ मुश्किल है।
आगे तनुश्री कहती हैं, मीटू के टाइम पर मेरे खिलाफ बी ग्रेड लोगों से पैसे देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए गए। कई बार ये गिरोह आपके सामने बहुत ही घटिया और नीच टाइम लोगों को सामना खड़े कर देते हैं। वो आपके बारे में झूठ और बनी बनाई स्टोरी बनाकर चला जाएगा। कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से कुछ नहीं हो सकता। इसमें पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो ये हमें ही पागल साबित कर देंगे। इसलिए एक्टर्स, डायरेक्टर, सिंगर सभी मीडिया में आकर अपना दर्द बयां करते हैं। मैं अध्यात्मक से जुड़ गई हूं, वहां मुझे शांति मिलती है। अगर मैंने अपने आप को परेशान होने दिया होता, उसका अंत सुशांत सिंह राजपूत और बाकी जो लोग गए वैसा ही होता। मैं कहना चाहूंगी कि इस युद्ध के बीच भी अपना संयम रखें। ये रावण की लंका जलेगी जरूर, बस हनुमान जी की पूछ की जरूरत है। ये कहना है बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का। शेखर सुमन ने भी इसी चीज को रिवील करा कि कैसे बॉलीवुड के इन गैंगस्टर्स ने उन्हें और उनके बेटे को परेशान करा और उनसे प्रोजेक्ट छीन लिए। इन सब पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।